उसामा बिन लादेन की तरह अब हाफिज सईद की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह कहना है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी ने गुरुवार को नागौर लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में जनसभा की। सभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, सीआर चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित जिले के भाजपा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। शेखावत ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि सरकार बनाने के बाद जो कहा था वो आज तक कुछ नहीं किया। मेघवाल ने राम राज लाने के लिए हनुमान की जरूरत है, इसलिए जनता एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें। मंत्री चौधरी ने बीजेपी सरकार के काम गिनाए। यूपी सीएम योगी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर जुबानी आरोप लगाते हुए कहा कि वो जब बाहर जाते हैं तो अपनी पहचान किसी और नाम से जाहिर करते हैं, उनको भारतीय होने का बताने में शर्म आती है। योगी ने कहा कि अब अजहर के आकाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मसूद को आतंकी घोषित करने के बाद उनके घरों में तो चूल्हे ही नहीं चलते। हनुमान बेनीवाल ने मंच से अपना चुनाव चिन्ह भी जनता को दिखाया और उसके पक्ष में वोट करने की अपील की। आप देखते होंगे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भारत में रहते राहुल गांधी के नाम पर माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो अपना नाम राउत बिंसी के नाम से अपना नाम लिखवाते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी पहचान को भी दुनिया के अंदर रखने में जिसको गौरव की अनुभूति होने की बजाय शर्म महसूस होती हो, वह व्यक्ति भारत की 130 करोड़ जनता का गौरव कैसे बढ़ा पाएगा। और यही तो राजस्थान वासियों से मैं कहने के लिए आया हूं। हमारे पूर्वजों का पूरा संघर्ष, पूरा शौर्य, पूरा पराक्रम तो देश और धरती की रक्षा के लिए संपन्न हुआ था। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, दक्षिण यूपी और दिल्ली तक आरएसपी का बच्चा मोदी जी के लिए लग चुका है। जो दिन का हाथ का फलका खाए में बहुत दिन होगा, पर हरियाणा भेज रही है। भाई इतना विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान ने संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष करेगा। जिस तरह नागौर के खिलचर से किसान के बेटे ने हड्डी बनाई, अपनी पार्टी बनाई और भारत माता का आवश्यकता पड़ी तो आरएलपी और हनुमान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और एक दिन करने के लिए लगे। तमाम 35 सीटें जीता।